हेलो बच्चों, मैं मयंक मिश्रा आप सभी को आज क्लास 12th CBSE में बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। क्लास 12th CBSE का ये चैप्टर नंबर 3 है बच्चों। चैप्टर का नाम क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या नाम बच्चों? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग सबसे पहले डिफाइन क्या करेंगे कि व्हाट डज द मीन ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का क्या अर्थ होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो याद रखिए बच्चों, रिप्रोडक्शन जो होता है ये क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज या सेम काइंड, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ये क्या है बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ व्हाट न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड, न्यू इंडिविजुअल, न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड, ऑफ द सेम काइंड इज नोन एज व्हाट? रिप्रोडक्शन बच्चों, इज नोन एज रिप्रोडक्शन। यानी आप रिप्रोडक्शन को क्या कह सकते हैं? रिप्रोडक्शन क्या है बच्चों? ये क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड, दैट इज नोन एज ह्यूमन रिप्रोडक्शन आर रिप्रोडक्शन। यानी रिप्रोडक्शन एक ऐसी एक क्रिया होती है जो बच्चों या जाति वंश की जो कंटिन्यूटी होती है बच्चों, उसको बनाए रखने में, प्रत्येक जीवधारी को अपने समान जीवधारियों को पैदा करने की ये एक प्रक्रिया को क्या करती है बच्चों? व्यवस्थित करती है। यानी आप कह सकते हो कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड, दैट इज नोन एज व्हाट? रिप्रोडक्शन बच्चों। अब आप देखिए इसका वर्क क्या होता है, इसका काम क्या होता है, ये क्या करती है बच्चों? इट सिग्निफाइज दैट न्यू इंडिविजुअल कैन अराइज ओनली फ्रॉम ए प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल्स। यहाँ पर रिप्रोडक्शन जो है वो किस प्रकार काम करता है कि प्री एग्जिस्टिंग जो स्पीसीज होती है, प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज जो होती है बच्चों, इससे अगर न्यू स्पीसीज क्या होती है बच्चों? बॉर्न करती है, उत्पन्न होती है, दैट इज व्हाट? रिप्रोडक्शन प्रोसेस। यानी पहले से उपस्थित जातियों से जो नई जातियों की उत्पत्ति होती है वो क्या होती है बच्चों? वो होती है रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया। आप कह सकते हो कि इसका जो वर्क होता है, इसका वर्क क्या होता है बच्चों? इट सिग्निफाइज दैट न्यू इंडिविजुअल कैन अराइज ओनली फ्रॉम ए प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज आर इंडिविजुअल्स। यू कैन से दैट न्यू स्पीसीज की जो बॉर्न होता है, न्यू स्पीसीज की जो उत्पत्ति होती है बच्चों, वो कहाँ से होती है? पहले से उपस्थित जो जातियाँ होती है बच्चों, पहले से उपस्थित जातियों से नई जातियों की जो बच्चों उत्पत्ति होती है, वही रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया बच्चों कहलाती है। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि रिप्रोडक्शन क्या होता है बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम ऑफ द सेम काइंड इज नोन एज रिप्रोडक्शन। यानी कि न्यू इंडिविजुअल का जो बच्चों फॉर्मेशन होता है, एक ही तरीके के प्राणियों की जो उत्पत्ति होती है वो क्या होती है बच्चों? रिप्रोडक्शन होती है। ये कैसे होती है? इट कैन ओरिजिन फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज, मतलब पहले से उपस्थित जो बच्चों जातियाँ होती हैं, उन जातियों से जो नई जातियों की बच्चों उत्पत्ति होती है वो क्या कहलाती है बच्चों? वो रिप्रोडक्शन कहलाती है। आगे का जो स्टेप होता है बच्चों उसको, उस पर अब हम लोग अब ध्यान देंगे। तो बच्चों हम लोग क्या बात कर रहे थे, अब हम लोग क्या बात करेंगे? रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग, यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो जो ह्यूमन बींग होता है क्या बच्चों? जो ह्यूमन बींग होता है वो क्या है बच्चों? ह्यूमन बींग क्या होता है बच्चों? ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या होते हैं ह्यूमन बींग्स? क्या होते हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, इनके अंदर ऑर्गेनिज्म कंटेन करता है। इसके अलावा ये यूनिसेक्सुअल इन नेचर होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल इन नेचर, यानी कि प्रकृति में से क्या होते हैं? एकलिंगी होते हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि दीज आर यूनिसेक्सुअल इन नेचर। इट इज़ द फर्स्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ द ह्यूमन बींग दैट दीज आर वाट? यूनिसेक्सुअल इन नेचर। सेकेंड पॉइंट क्या है? इट मीन्स वाट? मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं बच्चों, क्या होते हैं? वो सेपरेट होते हैं। मतलब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव
इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक, इंडिविजुअल्स जो होते हैं बच्चों क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, इंडिविजुअल्स आर सेपरेट, आर व्हाट बच्चों, सेपरेट, मतलब इसका क्या हुआ कि जो ह्यूमन बीइंग का फर्स्ट पॉइंट क्या है कि दीज आर यूनिसेक्सुअल इन नेचर, दूसरा पॉइंट क्या है, यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, सेपरेट होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं। अब आप देखिए इसके बाद सीधी सी बात यह है कि ये इट इज़ क्लियरली मार्क्ड इन ह्यूमन बींग, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि ह्यूमन बींग में क्या होता है, यूनिसेक्सुअल नेचर होता है, इसका क्या मतलब हुआ कि मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स होते हैं क्या होते हैं बच्चों, सेपरेट होते हैं। इन दिस वे वी कैन से दैट कि दैट दीज आर ऑल दीज आर मार्क्ड इन स्पेशल मार्क्ड इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग। द थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों, जैसे कि मैंने आपसे बताया थर्ड पॉइंट क्या है, इसका सेकेंड पॉइंट हो गया ये, मीन्स एंड द थर्ड पॉइंट जो बच्चों होगा वो क्या होगा बच्चों कि ईच सेक्स का मतलब हुआ मेल आर फीमेल बीएस डिस्टिंक्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स, यानी कि ईच सेक्स की बात करें, किसकी बात करें बच्चों, ईच सेक्स की बात करें, ईच सेक्स में क्या आता है बच्चों, मेल भी आ सकता है और बच्चों फीमेल भी आ सकता है। अब आप देखिए मेल कई मेल की भी करेक्टरिस्टिक हो सकती है, फीमेल की भी करेक्टरिस्टिक हो सकती है, जो जो मेल की करेक्टरिस्टिक होगी उसमें क्या होगा और जो फीमेल की करेक्टरिस्टिक होगी उसमें क्या होगा बच्चों, कि दोनों में क्या होते हैं बच्चे, इन दोनों में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, क्या बच्चों, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन आर फाउंड, यानी कि यू कैन से दैट ईच सेक्स आइदर मेल और फीमेल कंटेन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एज वेल एज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोथ्स, यू कैन से दैट इन द केस ऑफ मेल एंड इन द केस ऑफ फीमेल बोथ्स कंटेन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। आप कह सकते हो कि कोई भी सेक्स ऑर्गन का जो पार्ट है, चाहे मेल का पार्ट हो चाहे फीमेल का पार्ट होता है बच्चों, दोनों में क्या होता है, दोनों में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन दोनों क्या होते हैं बच्चों, कंटेन करते हैं। इसके बाद मैंने आपसे क्या बताया, अब हम लोग क्या बात करेंगे बच्चों, हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में। तो बच्चों जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसके बारे में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो जो बच्चों मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसमें क्या क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन की हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में अब हम लोग बच्चों क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बच्चों एज यू नो वेल दैट अ मेल सेक्स ऑर्गन बियर्स अ पेयर ऑफ टेस्टीज विच प्रोड्यूसेस मेल गैमीट विच आर नोन एज स्पर्म, एज इट इज क्लियर दैट इन द केस ऑफ व्हाट मेल सेक्स ऑर्गन के सिस्टम में क्या होगा बच्चों, इसमें क्या होगा, ए पेयर ऑफ टेस्टीज होगी, क्या होगी बच्चों, ए पेयर ऑफ टेस्टीज, क्या होगी बच्चों, ए पेयर ऑफ टेस्टीज होगी, यानी कि टेस्टीज की क्या होगी बच्चों, पेयर होगी, वो तो जो पेयर ऑफ टेस्टीज होगी वो क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चों, ये प्रोड्यूस करता है क्या है बच्चों, मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों, मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है, अ पेयर ऑफ टेस्टीज किसको प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है, और जो मेल गैमेट होता है बच्चों वो क्या होता है, दैट इज नोन एज व्हाट, स्पर्म, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोला जाता है स्पर्म, क्या बोलते हैं बच्चों उसको, स्पर्म बोला जाता है। आप कह सकते हो कि मेल सेक्स ऑर्गन कंटेन अ पेयर ऑफ टेस्टीज विच प्रोड्यूसेस मेल गैमेट एंड मेल गैमेट इज आल्सो नोन एज व्हाट, स्पर्म, इसको बच्चों बोला जाता है। इसके अलावा टेस्टीज जो होता है इसके अलावा एक हार्मोन सिक्रीट करता है, मेल सेक्स हार्मोन को टेस्टीज क्या करता है बच्चों, प्रोड्यूस करता है, ए पेयर ऑफ टेस्टीज क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों, मेल सेक्स हार्मोन को भी प्रोड्यूस करता है, मेल सेक्स हार्मोन को क्या करता है बच्चों, प्रोड्यूस करता है। अब आप देखिए ये जो मेल सेक्स हार्मोन होता है वो क्या होता है बच्चों, वो क्या होता है बच्चों, एंड्रोजन इसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसको, एंड्रोजन इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है बच्चों, एंड्रोजेंस आप बोल सकते हो, या इसको बोला जाता है बच्चों टेस्टोस्टेरॉन भी आप इसको बच्चों बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, टेस्टोस्टेरॉन या एंड्रोजन, आप दोनों पॉइंट इस पे आप लोग डिस्कस कर सकते हैं या आप इसको कह सकते हैं। क्या मैंने आपसे बताया
कि मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो एक टेस्टिस का एक पेयर क्या करता है, कंटेन करता है, प्रोड्यूस करता है या इसके पास होता है। तो अब आप यह एक पेयर ऑफ टेस्टिस क्या करता है बच्चों, मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है। अब मेल गैमेट एक्चुअली क्या होता है, मेल गैमेट एक्चुअली क्या होता है बच्चों, वो क्या होता है, स्पर्म होता है। क्या होता है बच्चों, स्पर्म होता है। अब आप देखिए इसके बाद एक पेयर ऑफ टेस्टिस इसके अलावा क्या करते हैं बच्चों, इसके अलावा ये हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करता है। तो जो मेल सेक्स हार्मोन होता है जो ये टेस्टिस प्रोड्यूस करता है, उस मेल सेक्स हार्मोन को क्या बोलते हैं बच्चों, उस हार्मोन को बोला जाता है एंड्रोजन। क्या बोलते हैं बच्चों, एंड्रोजन होता है जो कि एक मेल सेक्स हार्मोन होता है। तो जो ये मेल सेक्स हार्मोन जो कि एंड्रोजन कहलाता है, इसके अलावा इसको बच्चों क्या बोला जाता है, टेस्टोस्टेरॉन भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों इसको, टेस्टोस्टेरॉन। इट इज आल्सो नोन एज व्हाट, टेस्टोस्टेरॉन। यानी कि हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों, इसको हम लोग टेस्टोस्टेरॉन भी बच्चों बोल सकते हैं। अब आप देखिए, अब इसके बाद हम लोग किसकी बात करेंगे बच्चों, इसके बाद हम लोग बात करेंगे किस पॉइंट की, फीमेल सेक्स आर्गन की। तो बच्चों फीमेल जो सेक्स आर्गन होता है, तो बच्चों जो फीमेल सेक्स आर्गन होता है, तो फीमेल के पहले हम लोगों ने किसके बारे में बात किया बच्चों, मेल सेक्स आर्गन के बारे में बात किया। मेल सेक्स आर्गन के बारे में मैंने ये बताया कि इट बियर्स ए पेयर ऑफ टेस्टीज विच प्रोड्यूसेस मेल गैमीट विच आर नोन एज व्हाट, स्पर्म, विच आर नोन एज स्पर्म। एंड एक अन्य पॉइंट मैंने ये बात किया कि जो मेल सेक्स में जो टेस्टिस वाला पार्ट होता है, ये हार्मोन को भी प्रोड्यूस करता है। वो हार्मोन बच्चों क्या होता है, वो हार्मोन क्या होता है बच्चों, टेस्टोस्टेरॉन या एंड्रोजन होता है। अब हम लोग बात कर रहे थे फीमेल सेक्स आर्गन की बच्चों, तो फीमेल सेक्स आर्गन जो होता है ये क्या कंटेन करता है, ए पेयर ऑफ ओवरीज को क्या करता है बच्चों, ये प्रोड्यूस करता है या इसके पास कंटेन करता है। तो फीमेल सेक्स आर्गन में क्या होता है, ए पेयर ऑफ ओवरीज होती है बच्चों। तो इस तरीके से अब पेयर ऑफ जो ओवरीज होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है बच्चों, वो फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है बच्चों, फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है बच्चों, फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन करती है, यानी फीमेल गैमेट का प्रोड्यूस करती है। और जो फीमेल गैमेट एक्चुअली होती है वो क्या होती है बच्चों, वो होती है ओवा। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, ओवा बोला जाता है। ओवरऑल आप कह सकते हो कि जो फीमेल सेक्स आर्गन होता है बच्चों, जो फीमेल सेक्स आर्गन होता है वो क्या होता है बच्चों, फीमेल जो सेक्स आर्गन होता है वो क्या होता है बच्चों, फीमेल सेक्स आर्गन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फीमेल सेक्स आर्गन को बोलते हैं ए पेयर ऑफ ओवरीज बोलते हैं। और जो ए पेयर ऑफ ओवरीज होती है वो क्या होती है, फीमेल गैमीट को बोला जाता है। और जो फीमेल गैमीट होती है बच्चों वो क्या होता है, ओवा कहलाता है। इसके अलावा आप याद रखिए जो ओवरीज होती है, जैसा कि उसमें टेस्टोस्टेरॉन या एंड्रोजन था बच्चों, ये भी एक हार्मोन को क्या करती है बच्चों, हार्मोन का प्रोडक्शन करती है। तो जो हार्मोन जो प्रोडक्शन करती है वो क्या कहलाता है, फीमेल सेक्स हार्मोन कहलाता है। तो क्या होता है बच्चों, फीमेल सेक्स हार्मोन कहलाएगा। तो अब याद रखिए आप, ये जो फीमेल सेक्स हार्मोन जो कहलाएगा, इस फीमेल सेक्स हार्मोन को कहते क्या है, इस फीमेल सेक्स हार्मोन को क्या बोलते हैं बच्चों, एस्ट्रोजन बोलते हैं। इस फीमेल सेक्स हार्मोन को प्रोजेस्टेरॉन बोला जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों, एस्ट्रोजन इसको बोला जा सकता है, या इसको हम लोग प्रोजेस्टेरॉन भी बच्चों क्या इसको आप कह सकते हो। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि जो फीमेल सेक्स हार्मोन होता है बच्चों वो क्या होता है, फीमेल सेक्स हार्मोन क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है। और बच्चों क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है। तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दीज आर द फीमेल सेक्स हार्मोन्स विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ओवरीज। इन अदर वे ए पेयर ऑफ ओवरीज प्रोड्यूसेस फीमेल गैमीट दैट इज नोन एज ओवा। दैट इज नोन एज व्हाट, ओवा। इस तरीके से अब आप देखिए सारी चीज़ों को हम लोग क्लियर आउट करें। तो बच्चों आप लोग देखिए कि जो फीमेल सेक्स आर्गन होता है, ये हम लोग यहाँ पर बच्चों दो पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हैं। पहला जो पॉइंट ये है कि फीमेल जो सेक्स आर्गन होता है, इट कंटेन्स अ पेयर ऑफ ओवरीज दैट प्रोड्यूसेस फीमेल गैमीट एंड दैट इज नोन एज व्हाट, ओवा। इन अदर वे ओवरीज प्रोड्यूसेस हार्मोन विच इज नोन एज फीमेल सेक्स हार्मोन एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स आर व्हाट,
एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन दीज आर द फीमेल सेक्स हार्मोन विच इज प्रोड्यूसेस फ्रॉम ओवरीज। ठीक, ओवरी से जो हार्मोन सिक्रीट होता है बच्चों उसको क्या बोला जाता है, वो हार्मोन जो सिक्रीट होता है बच्चों उसको बोला जाता है क्या, एस्ट्रोजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रोजेस्टेरॉन बोला जाता है। तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ये क्या होते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं जो कि कहाँ से बच्चों पैदा होते हैं, ओवरीज से क्या होते हैं बच्चों, पैदा होते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब आप देखिए यहाँ पर एक दो तीन पॉइंट्स पर हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो क्या क्या है बच्चों, अब आप देखिए कि जो ये ओवरीज होती है बच्चों और जो ये टेस्टीज होती है, ये इनका ग्रोथ कहाँ से होता है, इनका प्रमोशन कहाँ से होता है बच्चों। तो याद रखिए कि द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टेस्टीज एंड ओवरी, द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टेस्टीज एंड ओवरी इज प्रमोटेड बाई, इज प्रमोटेड बाई पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। बच्चों याद रखिए कि ओवरी का या टेस्टीज का जो डेवलपमेंट होता है, इसका जो बच्चों ग्रोथ होता है, तो ये कहाँ से होता है बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के माध्यम से ही क्या होता है बच्चों, टेस्टीज का क्या होता है बच्चों, ओवरीज का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है या इसका ग्रोथ होता है। तो ग्रोथ के लिए और इस यानी टेस्टीज और ओवरी का जो डेवलपमेंट होता है, इसका जो ग्रोथ होता है बच्चों, वो किसके थ्रू होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसके थ्रू होता है बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू होता है। एक पॉइंट हो गया बच्चों। इसके अलावा आप याद रखिए कि ये एक होता है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक होता है बच्चों ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे LH बोलते हैं, एक होता है बच्चों ICSH इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बच्चों ये सब क्या क्या करते हैं, इसमें क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड में बच्चों एक हार्मोन होता है FSH, एक बच्चों हार्मोन होता है ICSH, एक होता है बच्चों LH। ये क्या होते हैं, टेस्टीज और ओवरी के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए, ग्रोथ में क्या होते हैं, इन्वॉल्वमेंट होते हैं। तो जो FSH होता है बच्चों इसको क्या बोलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बच्चों, इसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बच्चों, इसको बोला जाता है FSH को। ICSH जो होता है बच्चों, ये क्या होता है, इंटरस्टीशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बच्चों, इसको बोलते हैं इंटरस्टीशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बच्चों, इसको बोला जाता है। इसके अलावा LH होता है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बच्चों, इसको बोला जाता है। LH को क्या बोलते हैं बच्चों, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ओवरऑल यहाँ पर आपने देखा कि तीन जो हार्मोन्स होते हैं, इसमें FSH होता है, ICSH होता है और क्या होता है बच्चों, LH होता है। तो FSH जो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को बोलते हैं, और ICSH जो होता है इंटरस्टिशियल हार्मोन को बोलते हैं, एंड LH जो होता है बच्चों वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को बोलते हैं। ओवरऑल इन वाया पिट्यूटरी ग्लैंड FSH, ICSH एंड LH, दीज आर इन्वॉल्वमेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टेस्टीज एंड ओवरी। टेस्टीज और ओवरी के डेवलपमेंट में ये जो तीन हार्मोन आपको देखने को मिल रहे हैं, इसमें पहला फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, दूसरा इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, और तीसरा LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है बच्चों। ये तीनों जो है क्या करते हैं, वो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या होते हैं बच्चों, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और टेस्टीज और ओवरी का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट में इनकी क्या होती है बच्चों, मेन क्या होती है बच्चों, इनकी क्या होती है मेन महत्वपूर्ण भूमिका बच्चों यहाँ पर रहती है। तो ओवरऑल मैंने ये बताया आप लोगों से कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है टेस्टीज का, ओवरी का बच्चों, वो किसके थ्रू होता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू होता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू क्या होता है बच्चों, जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उसमें FSH का नाम आता है, ICSH का नाम आता है और LH का नाम आता है। तो ये थ्री हार्मोन्स
क्या करते हैं बच्चों, हेल्प करते हैं किसकी, टेस्टीज एंड ओवरी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या करते हैं बच्चों, ये इसकी हेल्प करते हैं। क्लियर हो गया सारे बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो बच्चों आगे का जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के बारे में हम लोग अब बच्चों क्या करेंगे डिस्कस। वेल नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। व्हाट बच्चों? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, इट इज अ वेरी फाइन टर्मोलॉजी इन द सेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग एज वेल एज एस्केरिस कॉकरोच एंड मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स। व्हाट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म बच्चों, आप जानते हैं कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का एक्चुअली क्या मतलब होता है, कि आप ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिनिक्ट मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेस पर अगर आप क्या करते हैं इंडिविजुअली मेल और फीमेल को क्या करते हैं पहचानने का काम करते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं, तो वो पूरी की पूरी जो प्रोसेस होती है दैट इज नोन एज व्हाट, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म वो बच्चों कहलाती है। आप कह सकते हो कि व्हेन मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स ऑफ अ सेम स्पीसीज कैन बी डिस्टिनिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्टिनिक्ट मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, द फिनोमिना इज कॉल्ड व्हाट, द फिनोमिना इज कॉल्ड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। आप कह सकते हो क्या कि व्हेन मेल एंड फीमेल, व्हेन मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज, इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज, व्हाट, व्हेन मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज कैन बी Distinguished on the basis of their what? On the basis of their morphological features. Morphological features. This phenomena is known as what? Sexual dimorphism. सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म बच्चों क्या कह सकते हो कि जब मेल और फीमेल जो इंडिविजुअल्स होते हैं, किसी भी जाति के मेल और फीमेल जो इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको उसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के आधार पर क्या होता है बच्चों, उनको जब जाना जाता है तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है बच्चों, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहलाती है। और ये हम लोग किस में देखते हैं बच्चों, ये हम लोग किस में देखते हैं बच्चों, एस्केरिस में आप इसको देख सकते हो। किसमें बच्चों? एस्केरिस में आप इसको देख सकते हो। इसके अलावा आप किसमें देख सकते हो? काक्रोच में देख सकते हो बच्चों। इसमें काक्रोच में इसको आप देख सकते हो। इन इसके बाद मोस्ट ऑफ द व्हाट, वर्टिब्रेट्स में भी बच्चों इसको आप लोग देख सकते हो। इसमें वर्टिब्रेट्स में, यहाँ तक कि जो ह्यूमन बीइंग जो होते हैं बच्चों, मानव जो जाति होती है, वो क्या है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का ही बच्चों क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। तो ओवरऑल वी कैन से दैट व्हेन मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स दैट इज नोन एज, दिस फिनोमिना इज नोन एज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। इसमें स्केरिस कॉकरेच वर्टिब्रेट्स, मोस्टली वर्टिब्रेट्स की हम लोग बात करेंगे, ह्यूमन बींग की बच्चों बात करेंगे, ये सब किस में आते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म में बच्चों आते हैं। तो आप कह सकते हो कि जब मेल और फीमेल का, किसी भी जाति की जो मेल और फीमेल की जो करेक्टरिस्टिक होती है, वो उसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के आधार पर अगर उसकी पहचान होती है, तो वो पूरी की पूरी जो बच्चों फिनोमिना होती है वो क्या कहलाती है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म बच्चों कहलाती है। अब आपको जैसे कि मैंने आपसे बताया कि एस्केरिस की बात करिए, काक्रोच की बात करिए, वर्टिब्रेट्स की बात करिए, यहाँ तक कि ह्यूमन बीइंग की हम लोग भी अगर बात करें, तो ये सारी चीज़ें किस में आती है बच्चों, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म में ही आती है। किस में आती है बच्चों? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म में ही बच्चों क्या होती है, ये आती है। अब आप हम इस तरीके से ये जो चीज़ें होती हैं जिसमें डिस्टिंक्शन का सिस्टम आता है बच्चों, वो क्या कहलाते हैं बच्चों, उसे बोलते हैं एक्सटर्नल और सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर भी इसको बोल सकते हैं, यानी कि जो डिस्टिंक्शन का
कि हम लोगों ने चर्चा किया यहाँ पर, हम लोगों ने बात किया, वो क्या कहलाएंगे बच्चों? उसको हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, एक्सटर्नल बोल सकते हैं बच्चों, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों? सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स भी इसको हम लोग बच्चों बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर भी बच्चों इसको हम लोग बोल सकते हैं। इस पूरे जो फिनोमिना होती है, ये जो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म की जो पूरी की जो प्रोसेस होती है, उसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों? मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेस पर हम लोग मेल फीमेल की इंडिविजुअलिटी को पता करते हैं, और ये जो इंडिविजुअलिटी की जो बच्चों जो रिकग्निशन की जो सिस्टम होती है, पहचानने की जो व्यवस्था होती है, उस पहचानने की व्यवस्था को हम लोग क्या बोल सकते हैं? उसको एक्सटर्नल करेक्टर बच्चों हम लोग बोल सकते हैं, उसको सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर भी भाई हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो ओवरऑल हम लोग यहाँ पर इस पॉइंट को, जो कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म की जो करेक्टरिस्टिक थी, उसके बेस पर हम लोगों ने ये बात किया कि जो सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर होता है बच्चों, वो क्या होता है? वो एक्सटर्नल करेक्टर भी होता है, उसकी जो डिस्टिंक्शन की जो क्राइटेरिया होती है बच्चों, वो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेस पर क्या होती है बच्चों? आधारित होती है। तब इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जो डिस्कस किया, इन सारे पॉइंट्स को बच्चों आप लोग को क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को आपको कायदे से सारी चीज़ों के बारे में क्या करना है बच्चों? स्टडी करनी है। अब आप देखिए, हम लोगों ने जो जिस पॉइंट्स पर डिस्कस किया था, उसको हम लोग एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। हम लोगों ने क्या बात किया? व्हाट डज द मीन ऑफ रिप्रोडक्शन? देन मैंने आपसे क्या बताया कि रिप्रोडक्शन इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड, दैट इज रिप्रोडक्शन। फिर मैंने क्या बात किया कि जो न्यू इंडिविजुअल्स होते हैं, वो कहाँ से पैदा होते हैं? तो मैंने आपसे क्या बताया कि पहले से उपस्थित जो जातियाँ होती हैं, प्री एग्जिस्टिंग जो स्पीसीज होती हैं बच्चों, उनसे जब नई जातियों की उत्पत्ति होती है, तो नई जातियों की उत्पत्ति पहले से उपस्थित जातियों से अगर होती है, तो वो क्या होता है बच्चों? रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में आता है, और इस तरीके से न्यू ऑफस्प्रिंग का क्या होता है बच्चों? फॉर्मेशन ऑटोमेटिक होता चला जाता है। फिर हम लोगों ने क्या बात किया? रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया बच्चों। तो जो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग है, उसमें मैंने आपसे बताया कि ह्यूमन बीइंग्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। मैंने आपसे बताया कि जो ह्यूमन बीइंग होता है बच्चों, वो सेकेंडरी क्या होता है? सेकेंडरी नहीं, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये यूनिसेक्सुअल इन नेचर होते हैं। फिर मैंने बताया कि दैट इज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर इंडिविजुअल्स आर सेपरेट, यानी कि मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं बच्चों, वो अलग अलग होते हैं। अगर हम लोग इस पे स्पेशल फीचर्स की बारे में बात करेंगे, तो मैंने आपसे बताया कि इट इज़ क्लियरली मार्क्ड इन ह्यूमन बीइंग्स, इसको ह्यूमन बीइंग्स में स्पष्ट तौर पर इसको हम लोग देख सकते हैं। ईच सेक्स आइदर मेल और फीमेल बियर्स डिस्टिंक्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स। मैंने आपसे बताया कि प्रत्येक सेक्स, यानी कि चाहे मेल की बात हो चाहे फीमेल की बात करो बच्चों, इसमें जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे मेल सेक्स ऑर्गन की बच्चों, तो मेल सेक्स ऑर्गन बियर्स ए पेयर्स ऑफ टेस्टीज विच प्रोड्यूसेस मेल गैमेट विच आर नोन एज स्पर्म। इसके बाद मैंने क्या बात किया? टेस्टीज जो होती है बच्चों, टेस्टीज क्या है? टेस्टीज आर व्हाट? टेस्टीज आर प्रोड्यूसेस मेल सेक्स हार्मोन दैट इज नोन एज एंड्रोजन आर टेस्टोस्टेरोन, इसको बोल सकते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन की हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन बियर्स ए पेयर ऑफ ओवरीज विच प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट आर कॉल्ड व्हाट? फीमेल गैमेट आर कॉल्ड ओवा। After it, we are going to discuss about the ovaries. What is ovaries? तो मैंने आपसे बताया ovaries जो होते हैं that produces female sex hormone that is known as estrogen and progesterone. Estrogen and progesterone ये produce करते हैं बच्चों। इसके बाद मैंने आपसे क्या बात किया कि जो growth होता है, जो development होता है testes की का हो डेवलपमेंट, चाहे वो ओवरी का डेवलपमेंट होता है, प्रमोटेड बाय पिट्यूटरी हार्मोन, वो पिट्यूटरी हार्मोन के द्वारा क्या होता है बच्चों? प्रमोट होता है। इसमें कौन कौन से हार्मोन इसमें हिस्सा लेते हैं बच्चों, कौन टेक पार्ट करता है? तो मैंने आपसे बताया कि इसमें
सबसे पहले FSH जो कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, फिर LH जिसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोला जाता है, इसके बाद ICSH जिसको इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बच्चों बोला जाता है। ये क्या करते हैं बच्चों, ये ओवरी के डेवलपमेंट में, उसके ग्रोथ में क्या करते हैं बच्चों, अपना बहुत महत्वपूर्ण क्या करते हैं, रोल शो करते हैं। फिर मैंने आपसे क्या बात किया बच्चों, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के बारे में डिस्कस किया बच्चों। तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म में मैंने क्या बताया आप लोगों से कि व्हेन मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स ऑफ अ सेम स्पीसीज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, दैट इज नोन एज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। मैंने आपसे क्या बताया कि जब मेल और फीमेल जो इंडिविजुअल्स होते हैं स्पीसीज के, उनको उसके डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल बेसिस के आधार पर जब उसकी पहचान होती है, तो दैट क्राइटेरिया, दैट फिनोमिना इज नोन एज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म बच्चों, उसको बोला जाता है। फिर मैंने क्या बताया, इट इज वेल मार्क्ड इन एस्केरिस, वेल मार्क्ड इन कॉकरोच, वेल मार्क्ड इन मोस्टली वर्टिब्रेट, वेल मार्क्ड इन इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। इन दिस वे यू कैन से दैट दीज आर द, दैट इज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज आल्सो नोन एज एक्सटर्नल आर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर बच्चों ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोगों ने चर्चा अभी किया। आगे की जो नेक्स्ट क्लास होगी बच्चों, उस पर हम लोग जो बात करेंगे, वो जो इम्पोर्टेंट टर्म होगी वो क्या होगी बच्चों, फर्टिलाइजेशन और सिंगैमी। फर्टिलाइजेशन या सिंगैमी की प्रोसेस क्या होती है, इन सब बिंदुओं के बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में बच्चों पढ़ेंगे। सारे बच्चे COVID-19 को, COVID-2.0 को ध्यान में रखते हुए आप लोग अपनी क्लासेस को मेंटेन करें, और सारी चीज़ों को जो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं उसको कायदे से सुन करके उन सारी चीज़ों को आप अपने नोटबुक में उसको मेंटेन करते हुए उसको पढ़ने का आप लोग सारे बच्चे प्रयास करिए। और आगे की क्लास में अब हम फिर से आपसे मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत बच्चों।